लगातार जो अतिक्रमण के नाम पे गरीबों को बेरोजगार किया जा रहा है, आज देखा जा रहा भाजपा सरकार का कहना है कि सबका साथ सबका विकास। भाजपा सरकार के एक शब्द और सुनने को मिलता होगा कि हम सबसे पिछड़े क्षेत्र, जो पिछड़ा व्यक्ति है, जो सबसे पीछे खड़ा हुआ व्यक्ति है, उसको आगे लाने काम करेंगे। पर आज मैहर में भाजपा सरकार की द्वारा देखा गया है कि लगातार अतिक्रमण के नाम पे उसी पीछे खड़े हुए व्यक्ति, जो सबसे गरीब व्यक्ति है, जिसके पास ना दुकान लेने के लिए पैसा है, ना कोई रोजगार, बड़ा रोजगार करने के लिए पैसा, ठेला लगाता है। भाजपा सरकार का काम कहना यह है कि पकौड़ा तलो, स्वरोजगार तैयार करो, स्वयं का रोजगार अपना तैयार करो, हम कोई नौकरी नहीं दे सकते किसी को, मोदी जी का कहना है। पर यही भाजपा सरकार जो है उसके द्वारा ये है कि पकौड़ा तलने वाले को घर में बैठाने का काम किया जा रहा है, कहीं भी किसी भी ठेले वाले को रोड में कहीं किनारे खड़ा है, जिससे कोई विकास में अवरुद्ध नहीं कर रहा, उसके द्वारा कोई दिक्कत नहीं हो रही, फिर भी अतिक्रमण के नाम पे उनको परेशान किया जा रहा है। हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरा मानना है कि विकास हो, विकास का हम विरोधी नहीं है, विकास की एक नई दिशा, सही दिशा होनी चाहिए, जिससे सभी को लाभ होना चाहिए। मैहर के चारों कोने में ऐसा कोई कोना नहीं है, ऐसी कोई रोड नहीं है जहाँ आज 500 वर्षों से ठेला लगा के कई लोग अपना पालन पोषण परिवार के करते आ रहे हैं। पर उनकी व्यवस्था, यदि आप अतिक्रमण के नाम पे इनको खाली ही करवाना था तो एक अपना मैनेजमेंट बनाते, कोई सिस्टम होता चारों कोने में, अस्थायी रूप से इनकी व्यवस्था करते, फिर इनका अतिक्रमण खाली करते, जिससे इनके पालन पोषण भी हो जाता इनके परिवार का। आज वो घर में बैठ गए हैं, 200-400 रुपए कमाते थे, डेली खाते थे, डेली कमाते थे, अब कहाँ से उसका परिवार खाएगा, कहाँ से कुछ होगा। तो मेरा मानना यह है कि अतिक्रमण के नाम पे जनता को परेशान ना किया जाए, गरीब व्यक्ति को परेशान ना किया जाए। नहीं, इसके जो इनका तरीका है, इसके हम खिलाफ आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। फिर